अशोक कुमार ठाकुर, संस्थापक मुनि इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। दोस्तों, मुनि इंटरनेशनल स्कूल में किए गए प्रयोगों के आधार पर 18 साल में हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये 20 साल और 25,000 घंटे की पढ़ाई के बाद बच्चे अपने अर्थ को नहीं पा रहे, इस दुनिया में होने के आधार को नहीं पा रहे। अगर मैं देखूं तो एक बच्चे के जीवन में प्रत्येक वर्ष 1 से 1.5 लाख अमूमन खर्च आता है और ये 20 साल का पीरियड जिसमें 30 लाख रुपए और 25,000 घंटे का उसका समय उसको कहीं नहीं पहुंचा पाता। कारण जानते हैं क्या? क्योंकि हम बच्चे की पोटेंशियल, हम बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे में पॉसिबिलिटीज को स्टडी नहीं करते। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि एमलेस मिसाइल या एड्रेसलेस पोस्ट की तरह बच्चे का जीवन जा रहा है। गैलप की रिपोर्ट ही कहती है कि 85% लोग इस दुनिया में जो अपने कामों में बिजी हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता वो किस लिए है, क्योंकि या तो बच्चा इंप्रेस है या माता पिता कहीं से इंप्रेस हैं। परिस्थितिवश, मजबूरीवश, लालच और संभावनावश लोग कोई काम करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं आने वाला, क्योंकि बच्चे की एनर्जी लग रही है, बच्चा अपनी पूरी एनर्जी से माता पिता, समाज, स्कूल सबसे कहना मानते हुए कार्य कर रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, पेरेंट्स और समाज के रिसोर्सेज लॉस हो रहे हैं और आज बच्चे का स्वयं पर से विश्वास हट रहा है, संबंधों पर से विश्वास हट रहा है और समाज से भी विश्वास हट रहा है। वो एक उदासीन लावारिस सा हो रहा है। जब इस बात को हम लोगों ने समझा तो हमने कहा कि यूरोप की तरह, जो विकसित देशों की तरह, हम क्यों ना एक सिस्टम डिजाइन करें जिसको एक एंगल से नहीं कई एंगल से देखा जाए। उसमें एस्ट्रोलॉजी हो, उसमें पामिस्ट्री हो। छोटे बच्चों को पामिस्ट्री नहीं की जा सकती क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ में उस समय हेल्थ की लाइनें होती हैं, तो उसमें DMIT हो, उसके अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, उसके अंदर ग्राफोलॉजी हो, उसमें DMIT है, उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री हो, विशलिस्ट हो, इस तरह के बहुत सारे तरीकों से, क्योंकि कुछ तरीके फाउंडेशनल हैं, कुछ तरीके वर्क ऑन वर्क पे हैं, इन तरीकों से जांच करके उसकी फैमिली में उस तरीके को पूरी तरीके से फाइनल टेस्ट करके, क्योंकि बच्चे ने माता पिता चेक किए हैं और एक बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे पास इस बात का कि जब हम माता पिता को स्टडी करते हैं अलग अलग, बच्चे से विशलिस्ट चेक करते हैं, तो हमें अपने सारे टेस्टों की वैलिडिटी समझ आती है। इस तरह का ट्यूनेक प्रयोग करके हम बच्चे को उसकी सही दिशा दे पाए जिससे बच्चे की एनर्जी कम लगे और जितनी लगे बेस्ट लगे, और माता पिता और समाज, माता पिता का पैसा और समाज का रिसोर्स कम लगे, और इस दुनिया को एक राइट आदमी राइट टाइम पर राइट जगह मिल जाए जिससे दुनिया ये कह सके, एक बच्चा अपने जीवन को जी सके और वो मुस्कुरा सके अपने जीवन पर। और मैं तो कहता हूं सा विद्या जब मुक्तैः हो जाए और मोक्ष को पा जाए। तो दोस्तों, जिस तरीके को हमने डिजाइन किया इसका नाम है IPDS, इनहेरेंट पोटेंशियल डिस्कवरी सिस्टम। हमने इसमें हर तरीके को इस्तेमाल किया है कि कैसे उससे बेहतर रिजल्ट एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकें, और इसकी जब हम लोगों की असेसमेंट करते हैं उसके बाद हमने मॉनिटरिंग पर भी काम किया है कि अगर बच्चा सही रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम उसमें NLP और बहुत सारी चीज़ों को सहारा लेकर के हम सही तरीके से बच्चे को ट्रैक पर रख सकें, जिससे देश, समाज सबकी ऊर्जा बचे और एक बेहतर रिजल्ट मिले। और अक्सर मैं कहता हूँ कि धरती पर स्वर्ग को ले, क्योंकि आज बच्चे या तो दुनिया में ओबीडियंट सर्वेंट आ रहे हैं इस एजुकेशन से, या लाइव रोबोट हो रहे हैं या पपेट हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने बच्चे ना तो किसी विचारधारा के अनुयायी बनने के लिए पैदा करे हैं, ना ही किसी पार्टी के वर्कर और ना ही किसी व्यक्ति और संस्था के ये नौकर बनने के लिए पैदा करे हैं, परंतु बच्चे को ये पता भी नहीं कि बच्चा करे क्या। इस करे के लिए ही मैंने IPDS डिजाइन किया है। आज बच्चा विश्वास टूटने के बाद और ज्यादा कंफ्यूज हुआ है और भ्रम में आ गया है। कहावत तो यहां तक कही जा रही है कि एक
अनपढ़ के मुकाबले एक पढ़े लिखे आदमी को मोल्ड करना, भ्रम में डालना ज्यादा आसान है। अगर आप देखेंगे दुनिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स पढ़े लिखे आदमियों की तरफ से आ रही है बनिस्बत की अनपढ़ लोगों की तरफ से, तो ये पढ़े लिखे आदमी एमलेस हो गए हैं क्योंकि ये वो एड्रेसलेस पोस्ट बन गए हैं। दोस्तों आइए इसके लिए आईपीडीएस का इस्तेमाल करें और उसका सहारा लेकर अपने बच्चों को अपने जीवन में, अपने ही जीवन में एक निश्चित अर्थ दे दें जिससे वो अपनी जिंदगी जी लें। मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आता है, जाओ सिमरन अपना जीवन जी लो। तो आओ हम अपने बच्चों को कहें कि हमारे साथ रह करके हमारे ज्ञान से अपना जीवन जी लें।